बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं डी मीडिया न्यूज प्रोग्राम सवाल है के साथ मैं हूं बंदा नाचीज जिक्रुल्ला हसनी। आज सवाल है वफाकुल मदारस अल अरबिया पाकिस्तान के शोबा हिफ्स के इम्तहानात का कि इसका क्या तरीका का रहा, क्या मामलात रहे। हमारे साथ मौजूद हैं मुमतहन शोबा हिफ्स जनाब कारी हबीबुर रहमान साहब, नायब मुदीर हैं बाग वाली मस्जिद और जामिया दारुल कुरान मुस्लिम टाउन से। रहीम, आज अल्हम्दुलिल्लाह वफाकुल मदारिस के इम्तिहान के सिलसिले में यहाँ मुबारक मस्जिद मदरसा अनवारुल कुरान गौशाला मोड़ में आमद हुई। इस साल 2022 में वफाकुल मदारिस के जो टोटल फैसलाबाद में जो मदारिस इम्तिहान में शरीक हुए हैं उनकी तादाद 234 थी, तो उनमें 1886 तलबा और 857 तालिबात जो इम्तिहान में शरीक हुई हैं उनके लिए हमने पूरे फैसलाबाद में 22 सेंटर इम्तिहान के बनाए थे। तो उन 22 सेंटरों में 13 मुमतहिन आला और 38 मुमतहिन हजरात जिनकी ड्यूटियाँ मुख्तलिफ़ सेंटरों में लगें, अल्हम्दुलिल्लाह फैसलाबाद में इसके मुताबिक काम हुआ। कल को समुंदरी में और जड़ा वाले तहसील में 2 सेंटर का इम्तिहान बाकी है, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह पूरे फैसलाबाद का इम्तिहान मुकम्मल हो चुका है। अगर हम पूरे पाकिस्तान में देखें, पूरे पाकिस्तान में जो 2021 में जो वफाकुल मदारिस के तहत जिन हुफाज ने इम्तिहान दिया उनकी तादाद 73,431 थी पूरे पाकिस्तान में, और इस साल अल्हम्दुलिल्लाह 2022 में जो पूरे पाकिस्तान में सिर्फ वफाकुल मदारिस के तहत जो हुफाज इम्तिहान दे रहे हैं उनकी तादाद 88,374 है। तो इस हिसाब से इस साल 14,943 हुफाज और हाफिजात का अल्हम्दुलिल्लाह इस साल इजाफा हुआ है। वफाकुल मदारिस का जब से हिफ्ज का इम्तिहान शुरू हुआ है उस वक़्त से लेकर अब तक वफाकुल मदारिस के तहत जो टोटल हुफाज और हाफिजात अभी तक इम्तिहान दे चुके हैं उनकी तादाद 13,63,670 है, उनमें 11,33,670 हुफाज हैं और 2,29,808 हाफिजात हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये वफाकुल मदारिस का सिर्फ शोबा हिफ्ज़ का जो काम है वो अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने आ चुका है, और अल्हम्दुलिल्लाह मेयार में अल्हम्दुलिल्लाह कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। जिन बच्चों ने अच्छा सुनाया है अल्हम्दुलिल्लाह उनके वो अच्छे नंबरों में पास हुए हैं, जो कमज़ोर थे वो उनको ज़िमनी इम्तिहान के लिए फ़ेल करके उनको ज़िमनी इम्तिहान में भेज दिया गया है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह वफाकुल मदारिस का एक पूरे पाकिस्तान का एक बोर्ड है, उस बोर्ड के तहत इस वक्त पूरे पाकिस्तान में कराची से लेकर खैबर तक हिफ्ज़ के इम्तिहानात अल्हम्दुलिल्लाह जारी हैं। ये इंशाअल्लाह हिफ्ज़ के इम्तिहानात जुमेरात तक इंशाअल्लाह मुकम्मल हो जाएंगे, और अगले हफ्ते जो है 26 मार्च से और 26 फरवरी से 3 मार्च तक ये शोबा कुतुब के इम्तिहान हैं। शोबा कुतुब के इम्तिहानात कराची से लेकर खैबर तक एक ही दिन में एक पेपर एक ही वक्त में पूरे पाकिस्तान में वफाकुल मदारिस का होगा। ये 6 पेपर होंगे, 6 पेपरों का वक़्त पूरे पाकिस्तान में एक ही वक़्त होगा, एक ही जगह इम्तिहान होगा, और इसके तकरीबन जितने सेंटर बने हैं इस वक्त मुझे इनकी तादाद तो याद नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कराची से खैबर तक इम्तिहान उनका एक ही वक़्त में होगा इंशाअल्लाह।